27 वर्षरे पाद देछि बिजु जनता दल। 24 वर्ष धरी बिजेडी हाथ रे ओडिसार निरंकुश शासन। बिजेडी शासन रो 24 वर्ष परे ओडिसार स्थिति केउछि? काहेकि ओडिसार आयर सिंह भाग केवल खणि राजस्वरु, काहेकि बाहर राज्य रे दादन खटुछन्ति परिश्रमी ओडिया? अधिकांश विकास सूचकांक रे काहेकि बहु पछरे ओडिसा? गोटे राज्य रे क्रमागत 24 वर्ष धरे गोटे दलर शासन। भारतीय राजनीति रे एही विरल सफलतार अधिकारी होई पारिछि बिजु जनता दल। गोटे परे गोटे लगातार पांचटी निर्वाचन रे विरोधी को मात दे क्षमता गादी रे बसी आसी बिजेडी। ओडिशावासी 24 वर्ष धरी नवीन का हाथ रे दे आसुछंती निरंकुश क्षमता। अढ़ई दशंधि किछि कम समय नुहे, आज बिजु जनता दल पालन करुछि 27तम प्रतिष्ठा दिवस। राज्यव्यापी धूमधाम रे एही दिन को पालन करुछंती दलर नेता और कर्मी। ओडिशा प्राकृतिक दुर्विपाक इंस्टीट्यूशन करिवारे रोल मॉडल हेछि। ओडिशा दारिद्र्य ह्रास करिवारे प्रथम हेछि। ओडिशा रास्ताघाट भित्तिभूमि गाँ गहली ठू आरंभ कर गाँव में आगे दांड था, ताको विजु जनता दल सरकार नवीन बाबू नेतृत्व में ही कार्य कर लोकंर सर्वांगीन उत्थान पर सब वर्गर विकास ओडिशा प्रशंसन आभिमुख्य नहीं। तेरे ओडिशावासी गत 24 वर्ष धरी जो एकतरफा समर्थन बिजेडी को दे आसी प्रति बदल राज्यवासी को कौन दे बिजेडी? कारण 24 वर्ष किसी कम समय नुहे। विभिन्न विकास सूचकांक देशे ओडिशार स्थान आज के सामग्रिक घर उत्पाद बा जीएसडीपी दृष्टि ओडिशा देशर 14तम राज्य। मुंडपिछा आय दृष्टि देश में 18तम स्थान रे ओडिशा। नीति आयोग वार्षिक हेल्थ इंडेक्स रे लोकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाइबा क्षेत्र रे ओडिशा 20टी बड़ राज्य मध्य 17तम स्थान। ओडिशा रे कृषकों आय देश में द्वितीय सर्वनिम्न। राज्यर 25 जिलार 3463 गाँव में ना शुद्ध पानीर व्यवस्था। ओडिशार उभय ग्रामांचल और सहरांचल मात्र 31% परिवार पाखे पहुंचुची विशुद्ध पानी। राज्य में स्कूल ड्रॉपआउट छात्र छात्री हार देश में सर्वाधिक। सेपरे समस्त मुंडरे पक्का घर टार्गेट रु ओडिशा एबे भी बहु दूर रे। जो ओडिशा सरकार रे रहिबार लंबा समय पर भी आज 1.5 कोटी पाखापाखी ओडिया युवक दादन खटिबा को जाउछन्ती ओडिशा बाहर एवं निज भिटामाटी छाड़ी जाउछन्ती। कर्मसंस्थान नहीं, काम धंदा नहीं, विभिन्न निर्यातन शिकार होउछन समाने। जदि दाम अच्छे को हिसाब दौना 4.5 कोटी लोक 24 वर्ष हिसाब केते कौन ओडिशा रे करछन्ती? केते युवक मानको चाकरी देले, केते महिला चाकरी पाइले, जलसेचन केते सुविधा हला? ये आदिवासी मान के क्यों जोर जिले में जब पानी टिके दे पारे आज राउरकेल आपने देखते हैं शुद्ध पानी टिके दे पारे बोली आज कोर प्रकार भाव से 40-50 जन से मानने प्राणत्याग कर सारे। यह नुहे जे ओडिशा को विकास दौड़ आग को नेबारे राज्य सरकार का पाखरे संबल अभाव रही। अमाप खनिज संपद सांग को सुदीर्घ बेलाभूमि, जल संपद, जंगल संपद, पर्यटन क्षेत्र, ऐतिह्य, कला भास्कर्य केउथरे अभाव नाही ओडिशा। ता सत्वे ओडिशार अर्थनीति सर्वाधिक खणि राजस्व उपरे निर्भरशील, जहां बिजेडी सरकार पुरुषार्थर नुहे पर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आशीर्वाद ओडिशार भूमि तले गच्छित हो रही। संबलर सदविनियोग ओडिशार सबुठ बड़ समस्या भाव में उभा होई बेरोजगारी। राज्य में बेकारी समस्या अति उत्कट। जुलाई रु सेप्टेम्बर 2023 पर्यंत पीएलएफएस रिपोर्ट रे सामना को आसीथिला सांघातिक तथ्य। सर्वभारतीय स्तर में सहरांचल बेकारी हार 17.3 होता बेले ओडिशार यह 20.9। ओडिशार पुरुष बेकारी हार 16.9 होता बेले भारत में यह 15.5। ओडिशार महिला बेकारी हार 31.9 बेले सर्वभारतीय स्तर में यह 22.9। दलर किसी प्रवक्ता कहते ओडिशा को मध्य अन्य राज्य लोक आसी कम करा लोक बाहर को जाम करने कि बुझार दरकार अच्छे आम इटा भाटी में कम कर सपरिवार जाने मृत्युमुख में पड़ुं हाथ गोड़ हरिक आसा आम मानक दादन मानक अवस्था अगर राज्य जो मैंने आसुँच
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମୋର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାଦନ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ରୋଜଗାର ଭାବରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଏଭଳି ଯୁକ୍ତିଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖାଇଦେବି ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ, ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡ଼ିର 27 ବର୍ଷ ପୁରୁଣ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ବେଳ ନା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ବେଳ? 27 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ତାହା ପୂରଣ କରିବାରେ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି ଦଳ? ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ସେହି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ଆଜି ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।